आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। जबलपुर से विशेष पुलिस दल ईओडब्ल्यू ने 35,000 की रिश्वत लेते तहसील लाल बर्रा के बाबू पेमेंद्र हरिन खेड़े को पकड़ा। ईओडब्ल्यू जबलपुर से मिली जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता अरुण जेठवा निवासी बालाघाट, जिनके द्वारा शिकायती आवेदन अनुसार बाबू पेमेंद्र हरिन खेड़े तहसील लाल बर्रा ने अरुण जेठवा की फैक्ट्री की जमीन के खसरे से उसके भागीदारों की, जो अब जमीन से अलग हो चुके हैं, के नाम हटाने के लिए बाबू हरिन खेड़े द्वारा अरुण जेठवा से 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जो चर्चा में 40,000 रुपए देना तय हुआ, जिसमें से 5,000 रुपए आरोपी बाबू पेमेंद्र ने दिनांक 15 जून 2022 को ले चुका था। रिश्वत की शेष राशि 35,000 रुपए लेते हुए आरोपी को रंगे हाथ ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम द्वारा उसके निवास स्थान लाल बर्रा जिला बालाघाट से पकड़ा गया। ईओडब्ल्यू जबलपुर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कार्रवाई टीम द्वारा की गई। ईओडब्ल्यू ट्रैप दल में उप पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह, विवेचक निरीक्षक श्रीमती प्रेरणा पांडे, निरीक्षक सुश्री शशिकला मस्कुले, निरीक्षक मोमेंद्र मर्सकोले, उप निरीक्षक श्रीमती कीर्ति शुक्ला सम्मिलित थी। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में प्रार्थी श्री अरुण जेठवा जी ने दिनांक 16 जून को शिकायत की थी कि लालबर्रा तहसील के बड़े बाबू श्री हरिन पेमेंद्र हरिन खेड़ा उनकी जमीन के नामांतरण के लिए, उनकी जमीन से 3 अन्य भागीदारों का नाम हटाने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसमें से 5,000 रुपये वो दिनांक 15 जून को ले चुके हैं, शेष 35,000 रुपये आज रिश्वत के रूप में वो ग्रहण कर रहे थे, जिसको लेते हुए उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है, उनके निवास स्थान में पकड़ा गया है, कार्रवाई जारी है।